बिलासपुर में राजस्व विभाग और भूमाफिया दोनों की मिलीभगत से सरकारी जमीन के बेखौफ बिक्री हो रही है। मोपका इलाके में 118 एकड़ सरकारी जमीन 1978 में तत्कालीन तहसीलदार ने बेच दी थी, जिस पर कार्रवाई भी की गई। इसके बाद भी राजस्व अधिकारी जमीन को बचाने की बजाय फर्जीवाड़े में शामिल हो गए। इलाके के बुजुर्ग समाज सेवी DL वर्मा के मुताबिक 1978 में यह गाँव था और तहसीलदार ने सरकारी जमीन की बंदरबांट की शिकायत के बाद सभी पट्टे निरस्त हुए थे, लेकिन भूमाफिया ने फिर सरकारी जमीन बेच दी। आज पूरी सरकारी जमीन बिक गई है और सरकार की योजना के लिए जमीन नहीं है। दो चार गांव वालों को ऐसा करके उन्होंने अवैधानिक पट्टा बना के उसको उनके खाते में जोड़ दिया गया। जब उसकी जानकारी जब हुई, जब वो पटवारी वहाँ से चला गया, तब सारे जमीनों को जो जो जिनकी पट्टे मिली थे उन्होंने अपने अपने स्थान पर जाके जब कब्जा करना शुरू किया।